हे गाइस, तो दोस्तों फाइनली कहानी में ट्विस्ट, कुछ ऐसा ट्विस्ट आया है कि हम लोग जा रहे थे घर पर, घर नहीं गए, वापस आ गए हरिद्वार। गंगा मैया कह रही है अभी घर मत जाओ, वापस आओ। हेलो गाइस, तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग लक्ष्मण झूला पहुंच चुके हैं। टाइम हो गया है 10, अभी हम लक्ष्मण झूला पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो व्यू है, बहुत नाइट व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो लक्ष्मण झूले का जो नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग वाइटिंग करके एकदम बहुत बढ़िया। यहाँ का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और लक्ष्मण झूला का जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस वीडियो में बने रहें। तो गाइस आप ये देख रहे हैं, ये रास्ता है, अभी हम यहीं से आए हैं। और ये सारा ये मार्केट एरिया, और ये अब यहाँ से हम स्टेयर से उतरते हुए, और ये सामने आप देख रहे हैं वो लक्ष्मण झूला अपना, जो व्यू है सुपर अमेजिंग नाइट व्यू। सारे में लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और फिर बीच में जाके मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूला। अब हम एंट्री कर रहे हैं, ये आप ऊपर देख सकते हैं। अब हम लक्ष्मण झूला पर एंट्री कर रहे हैं रात के 10 बजे, और ये भाई हमारा फ़ोटो खींचने में लगा हुआ है। और इस समय यहाँ पे भीड़ आप देख ही सकते हैं, काफ़ी लोग हैं। बहुत बढ़िया, भीड़ तो कुछ ज़्यादा ही है वैसे, सच में अमेजिंग। तो दोस्तों आप फाइनली देख सकते हैं, हम लोग इस समय लक्ष्मण झूले पे हैं, और सच में बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, लाजवाब नज़ारा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि पुल इस समय हिल रहा है। और ये आप देख सकते हैं नीचे गंगा, सामने ये होटल्स हैं, और इस समय हम ये पुल पे। और ठीक है, उसके अपोजिट ये सामने ऋषिकेश का नज़ारा, जो होटल्स वगैरह बने हुए हैं। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। भाई क्या बेहतरीन नज़ारा है ना लक्ष्मण झूले का, वाओ। सोचो कि रात में ऐसा नज़ारा है, तो दिन में कैसा नज़ारा होगा भाई, दिन में कैसा नज़ारा होगा यहाँ पे। और देखना सामने पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे, और दिन में जो पहाड़ यहाँ पे चमकते, वाओ, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ये इधर नीचे गंगा, बहुत तेज़ बहाव चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव चल रहा है। अब कभी भी तुम जाओगे ना, अब तो जान ही गए वो। और जो यहाँ का नज़ारा है बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। तो दोस्तों अभी हम हैं यहाँ लक्ष्मण झूला, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया दिखाया, ये आप देख सकते हैं ये पीछे लक्ष्मण झूला। हम उस तरफ से एंटर हुए थे, और यहाँ से हम अभी एग्जिट हुए हैं। और यहाँ पे बाहर आके जो यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग है, बहुत अच्छी लाइटिंग है। इधर ये मार्केट एरिया है, ये सारा ये आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। ये सारा ये मार्केट एरिया है, और अब हम वापस उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें उसी तरफ से बाहर निकलना है जिस तरफ से हम आए थे। हमारी कार उधर ही पार्क है, तो अब हम चलते हैं। आजा भाई, फ़ोटो खिंचवाता रहेगा, चल भाई चल। ये भाई हमारा फोटो ही खिंचवा रहा है, जब से बहुत फोटो खिंचवा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा, वीडियो देख के बहुत एंजॉय मिलेगा, बहुत मज़ा, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही बढ़िया लाजवाब व्यू। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ से हम अभी एग्जिट हुए हैं, और अब यहीं हमें वापस जाना है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। कहाँ गया भाई, आजा भाई, फिर चला गया भाई हमारा, आजा। ये हम लक्ष्मण झूला से बाहर निकलते हुए, अब यहाँ से एग्जिट,
बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया व्यू है एकदम। रात का लाइटिंग का मज़ा है, बट दिन में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि दिन में पहाड़ और गंगा वंगा सब दूर दूर तक बहुत अच्छी तरीके से दिखता, तो इसलिए अब देखते हैं क्या करना है क्योंकि एक्चुअली वापस घर भी जाना है ना, इसलिए ये अब यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कार पार्किंग की तरफ, तो चलिए अब चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज हम लक्ष्मण झूला होके आ चुके हैं। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, आप लोगों ने अभी देखा होगा, लक्ष्मण झूला हम घूम के आ चुके हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी थक गए हैं, सिर्फ मैं और ये हम हैं जिसमें थोड़ी जान बची है। तो अब हम आए हैं राम झूला की तरफ, वो लोग आगे चले गए खाना पीना खाने के लिए और हम आ गए राम झूला की तरफ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला हुआ था कि मैं सबको दिखाऊंगा लक्ष्मण झूला राम झूला, इसलिए मैं अब जा रहा हूं राम झूला की तरफ और देखते हैं राम झूला किस तरीके का बना हुआ है। वैसे सेम उसी तरीके से, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट अब चलते हैं राम झूला की तरफ और वहाँ का लेते हैं नज़ारा और देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा है, किस तरीके से है जो वहाँ का व्यू है। और तो चलिए दोस्तों अब राम झूला पे जा करके आपसे मिलते हैं वहीं पे, और यहाँ का मैं दिखाता हूँ आपको जो रास्ता है यहाँ का किस तरीके से कैसा है। 100 रुपये की पार्किंग तो वहाँ लग गई हमारी लक्ष्मण झूला पे, और यहाँ पे 120 रुपये पार्किंग ले रहा था, बट हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो अब आगे चले गए कि तुम दोनों जाओ घूमे हो, हम आगे जा रहे हैं। तो अब चलते हैं राम झूला की तरफ। तो गाइज आप देख रहे हैं ये जो रास्ता जा रहा है, हम सीधा राम झूला की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। टाइम हो रहा है 11:15 बजे हम राम झूला की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आज रात को ही हमें अब घर के लिए वापस निकलना है, क्योंकि कल है जन्माष्टमी और घर पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमें घर पहुंचना ज़रूरी है। तो अब बस यहाँ पे दर्शन करके उसके बाद खाना वाना खा के और अब हम सीधा निकलेंगे अपने घर के लिए। रात का नज़ारा लेते हुए रोड का मस्त नाइट ड्राइव करेंगे लॉन्ग ड्राइव पे और अपना एंजॉय करते हुए चलेंगे। तो बस अब थोड़ी देर में राम झूला पहुँच जाएंगे हम। यही रास्ता जो जा रहा है सीधा, ये राम झूला पे जा रहा है। बाबा राम राम। तो बस जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों अब बस राम झूले की तरफ बढ़ते हुए आगे। इधर तो सब सुनसान है, वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा था, मतलब मार्केट वार्केट काफ़ी ठीक थी, यहाँ पे काफ़ी सुनसान है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं, खाली पड़ा हुआ है। और प्लस फिर टाइम भी ज़्यादा हो रहा है ना, ये भी ऐसे। कोई बात नहीं, चलिए हम देखते हैं कैसा माहौल है। वो सामने गाइज आप देख रहे हैं सामने राम झूला, नीचे गंगा का बहाव जो है वो बहुत तेज़ है, क्लियर दिख नहीं रहा है बट आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहाव जो है वो बहुत तेज़ है। दिन में यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होता है वैसे। ये रहा सामने राम झूला, अब चलते हैं बस राम झूला की तरफ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं राम झूला हम आ चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे जो अजीब चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बाइकें साइकिल वगैरह सब अलाउड है, सब परमिशन है, रिक्शे वाले ठेली वाले सब घुसे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ लक्ष्मण झूला पे वहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई परमिशन नहीं है, बाइक साइकिल वाइकिल कुछ अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पे तो ये मल्टीपर्पज़ है, बट नज़ारा कुछ उसी तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं, अमेजिंग बना तो कुछ उसी तरीके से हुआ है बट बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, मुझे लग रहा है आई थिंक राम झूला पर ज़्यादा लोग नहीं आते, मेन लक्ष्मण झूला पर जाते हैं और वहीं से वापस हो जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, एक तो बना सेम हुआ है और इधर थोड़ा बाइके वाइके ये सब भी परमिशन है, तो इसलिए। और यहाँ से जो नज़ारा है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा उसके अपोज़िट, ये सामने सारा ऋषिकेश का एरिया, ये आगे होटल वोटल जो बने हुए हैं उनकी लाइटिंग, और नीचे गंगा अपना जो है वो गंगे मैया। ये देखिए फिर एक बाइक आ गई पुल इतनी जोर से हिल रहा है यार, ये बाइके वाइके अलाउ कर रखी हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा आगे तक चलते हैं।
हम उस तरफ से इसके ठीक अपोजिट साइड से घुसे थे और ये इसका दूसरी साइड है। यहाँ पे हमें बाहर जाना नहीं है, हमें उसी तरफ जाना है। और तो हम यहाँ पे स्कूटियाँ बाइकें बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं, तो हम अब वापस हो जाते हैं और वापस चलते हैं। अब हम जहाँ से हम आए थे वहीं पर अब एग्ज़िट करना है हमें। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये हम यहाँ से बाहर निकलते हुए, अभी हम जस्ट यहीं से बाहर आए हैं और अब हमें जो जाना है इधर। तो चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो दोस्तों फाइनली हम अब घर की तरफ निकल चुके हैं और आप देख रहे हैं जब हम आए थे तब भी बढ़िया वाली बारिश मिली थी और अब हम जा रहे हैं और अब फिर बारिश हो रही है रास्ते में। अब इस समय अभी हम ऋषिकेश में चल रहे हैं, पहले अब हरिद्वार आएगा और फिर उसके बाद हम सीधा उस पर हाईवे पर चढ़ जाएंगे। और बारिश यहीं से स्टार्ट हो गई है, बहुत ही बढ़िया वाली बारिश हो रही है। अब चलते हैं रास्ते का ऐसे ही एंजॉय करते हुए। रात का नाइट व्यू है इस समय। अभी हमने जस्ट हरिद्वार क्रॉस किया है और अब हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं। अब सीधा सिर्फ फ्लाईओवर और टापम टाप, क्योंकि रास्ता एकदम ठनाठन है, कोई रास्ता ख़राब नहीं कुछ नहीं। रास्ते में 3 टोल पड़ेंगे टोटल दिल्ली बॉर्डर तक। और अब यहाँ से सीधा अब हरिद्वार हमने क्रॉस कर ही दिया है। अब जो भी 2-3 घंटे जो भी लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के, अब वो चाहिए। मैं रात का नज़ारा मज़ा लेते हुए अब चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। ये आप देख रहे हैं दिल्ली 201 किलोमीटर है, दिल्ली जो है 201 किलोमीटर है और अभी जो है 12 बज चुके हैं। तो अब आई थिंक हम कितने बजे तक, 3 बजे तक हम शायद पहुँच जाएँ 3-4 बजे तक। तो अब चलते हैं रात का मज़ा लेते हुए अपने घर। फाइनली कहानी में ट्विस्ट, कुछ ऐसा ट्विस्ट आया है कि हम लोग जा रहे थे घर पर, घर नहीं गए, वापस आ गए हरिद्वार। गंगा मैया कह रही है अभी घर मत जाओ, वापस आओ। तो गाइज जैसे कि प्लान कुछ इस तरीके से बना था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम तो जा रहे थे अभी घर के लिए, निकल चुके थे हम लक्ष्मण झूला राम झूला सब करके हम घर के लिए निकल चुके थे। बट कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा आया कि रास्ते में बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने आप लोगों को बताया था कि रास्ते में बारिश भी हो रही है और प्लान कुछ ऐसा हुआ कि हरिद्वार हम जैसे ही जस्ट क्रॉस ही किया था, बट क्रॉस करने के बाद तुरंत कुछ इस तरीके से प्लान बना कि नहीं अभी घर नहीं जा रहे, वापस चल रहे हैं। फिर हम वहाँ से हमने लिया यू टर्न और हम आ गए हरिद्वार हर की पौड़ी के पास। यहाँ पर एक धर्मशाला है, वहीं पे हमने अभी रूम लिया है जस्ट। और रात के बज रहे हैं इस समय 12:30 और हम यहाँ पर हैं धर्मशाला में। प्लान चेंज कुछ इस वजह से हो गया कि कल जन्माष्टमी में छुट्टी है, अभी घर जा के करेंगे क्या, तो इसलिए प्लान चेंज हो गया। निकल चुके थे हरिद्वार जस्ट क्रॉस ही किया था, बट वहाँ से तुरंत यू टर्न लिया और सीधा हम आ गए हैं यहाँ पे अब हरिद्वार में। और कल हम कुछ एक दो चीज़ें और यहाँ पे अब हैं जो बची हैं, चंडी देवी मंदिर रह गया था हमारा, तो अब वहाँ जाएंगे हम कल और वहीं पे जाके हम दर्शन करेंगे। तो दोस्तों टाइम बहुत हो गया है और अब हम जा रहे हैं।
हैं सोने थके हुए हैं सब लोग, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल हम नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे नहा धो के उसके बाद हम नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और बने रहें मेरे साथ चैनल पर, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि कोई भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुँच सके, आप लोग उसे देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, ध्यान रखें अपना अपनी फैमिली का। और ये देखिए भाई हमारा ये पानी भरने में लगा हुआ है, इसी का वैसे प्लान था कि रुक जाते हैं, नहीं फिर कहने लगा नहीं चलते हैं, घुमाया फिराया इसी ने था, फिर उसके बाद प्लान बस चेंज हो ही गया, तो हम फिर सीधा यहीं पर आ गए। तो अब हम स्टे करके उसके बाद अर्ली मॉर्निंग कहीं जाएंगे, चंडी देवी मनसा देवी जो भी है। तो चलिए दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।